चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए ये है बी ये, हाँ तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रेजिस्टेंस का रेशियो किस रेशियो में है, दिस इज एट, दिस इज, ठीक है, इसको सी पॉइंट कह दो, इसको डी पॉइंट कह दो। तो रेजिस्टेंस का रेशियो एट इज टू सिक्स, एट इज टू सिक्स का मतलब मान लो इसको आर वन और ये आर टू, ये आर वन है ये आर टू है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो फोर इज टू थ्री हुआ। इधर का रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, मान लो ये आर थ्री है और ये आर फोर है, तो आर थ्री अपॉन आर फोर, फोर अपॉन थ्री, तो रेजिस्टेंस का रेशियो इसका और इसका सेम है ना। तो अगर ये 10 वोल्ट का जो है ये बैटरी या सेल लगा हुआ है, तो ये 10 वोल्ट 4 इस टू 3 में डिवाइड होगा, 4 इस टू 3 में डिवाइड होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर का भी रेजिस्टेंस का रेशियो वही है जो इधर का रेशियो है, तो इसका क्या मतलब है, जितना ड्रॉप इधर होगा सी से बी की तरफ उतना ही सी से ए की तरफ होगा, यानी सी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, डी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप सी से बी की तरफ होगा उतना ही। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो 4:3 इसका भी है, 4:3 इसका भी है, तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अगर इसका वी डैश है तो इसका भी वी डैश ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, इस वजह से। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।